नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा अनिल दास नाम है जी। अनिल दास जी, आप कहाँ से हैं? मैं नरेला दिल्ली से हूँ जी। अनिल दास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2013 में ली है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर हाँ, जैसे समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था और अन्य मसाणी डेढ़ शीतला ये सभी की भक्ति करता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मैं सभी संतों को सत्संग सुनता था और मैं एक दिन सत्संग सुनते सुनते संतों के एक दिन साधना टीवी का चैनल लग गया और मैंने सतगुरु रामपाल जी का सत्संग सुना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तीन गुण के बारे में बता रहे थे। मैंने सत्संग सुना तो मैंने सोचा अरे ये संत तो कुछ अलग ही बता रहे हैं, तो मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग डेली सुनने लग गया। सर मैं संत रामपाल महाराज की शरण में टीवी के माध्यम से आया हूँ सर। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं उनको लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, सतगुरु रामपाल से महाराज जी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत ही लाभ हुए सर। जैसे मैं घर पे ऐसे ही पड़ा रहता था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने के बाद मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगे, सतगुरु जी मेरे पास कोई काम नहीं है। सतगुरु रामपाल जी ने मुझसे कहा कोई नहीं बेटा, हो जाएगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे 1 महीने के अंदर अंदर सरकारी जॉब लगी। पहला तो लाभ मुझे ये हुआ। दूसरा लाभ भगत जी, मुझे कानों में इन्फेक्शन था तो भगत जी मैं कभी तो गंगाराम में दिखाता था और कभी ब्रह्म शक्ति में मैंने बहुत दिखाया, मेरा पैसा बहुत लगा भगत जी। मेरे को 8 साल हो गए थे ये, मैंने नाम नाम लेने से पहले मेरे कानों में इन्फेक्शन था। जैसे ही मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिया धीरे धीरे मेरे कानों का यह रोग भी ठीक हो गया। और एक दिन मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, मोटरसाइकिल जाने के बाद मेरी सामने से ट्रक आया, मुझे पता नहीं लगाया, उसने मेरे ट्रक को अगले गाड़ी के मोटरसाइकिल के पहिए पे चढ़ा दिया और मैं किसी न किसी तरह भगत जी वहाँ से कूद के और एक मालिक ने एकदम अलग खड़ा कर दिया मेरे। मैंने देखा चोट वोट तो आई नहीं, तो मैंने देखा भगत जी मोटरसाइकिल के आगे टायर में उसका रिम टेढ़ा हुआ हुआ था। तो मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय बोल के मोटरसाइकिल को उठा लिया भगत जी। और भगत जी अन्य बहुत लाभ हुए हैं, जैसे मेरे पापा के ने दीक्षा ली है, उनके पेट में रसौली थी तो वो बोले कि डॉक्टर से दिखाओ। हम डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए तो वहाँ पे दिखाया तो वहाँ पे उनकी नॉर्मल रिपोर्ट पाई भगत जी। और भगत जी संत रामपाल जी महाराज से बहुत ही लाभ हुए हैं। जैसे मैं नाम लेके आ रहा था रोहतक में, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मेरा लड़का बस में ही बैठ के चला गया। हम सारे रोने लगे, पापा ने उस टाइम पे नाम नहीं लिया था, मम्मी ने भी नाम लिया था, ये बोल रहे तुम कैसे नाम लेके आ गए और तुम्हारा लड़का खो गया। तो मैंने मन ही मन में अरदास लगाई, मालिक आप तेरे दास ने ये नाम ले लिया और हमारा बच्चा खो गया, कुछ करो मालिक। तभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और मेरी भगवती को बच्चे को दे गए, वहाँ से सतगुरु रामपाल जी महाराज चले गए। मैंने वहीं मालिक का जयकार लगा, मैं बोला बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत जी हमें बहुत लाभ हुआ सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद। भगत जी मैं नशा विकार भी बहुत करता था, दारू इतनी पीता था कि अगर मैं दारू पी लेता था तो जितने हमारे गांव वाले थे पड़ोस में वे दरवाज़ा बंद कर लेते थे कि आज इस लड़के ने दारू पी लिए, आज ये कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे सारे विकार छूट गए भगत जी। आज मैं कुछ भी नशा नहीं करता हूँ, सिर्फ जो मालिक देते हैं वही खाता हूँ वही पीता हूँ, बस मालिक का नाम लेता रहता हूँ। मुझे बहुत लाभ हुआ भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुई, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भगत समाज को यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैं एक निर्लज व्यक्ति और आज एक संत का जीवन जी रहा है सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए, आप भी ऐसे आए सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम ले, वो पृथ्वी पर परमात्मा आए हुए हैं, वो सबके विकार छुड़ा देते हैं, उस तत्वदर्शी संत की शरण में आए और अपना मोक्ष कराए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? बहुत सारे चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, कहीं भी ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवा चल रही हो वहीं पर ये पुस्तक लेके और इससे पढ़े, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना मोक्ष कराए। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।